आप देख रहे हैं crime100news.com हर खबर सच के साथ। विद्यू सीएससी डॉक्टर एसपी सिंह ने बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता को बताया, पोलियो ड्रॉप छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। घरों की सभी माताओं को अपने अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप की खुराक समय समय पर देनी चाहिए, ताकि हमारा प्यारा भारत देश पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से मुक्त हो सके। पोलियो लक्ष्य के दौरान 10,075 लोगों को कल पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। साथ ही इसके लिए हमारी 24 टीमें बच्चों को पोलियो ड्रॉप का सेवन करा रही हैं। वसीम अहमद की रिपोर्ट। 10,075 बच्चों का कल हम लोगों ने पोलियो पिलाया है। आज हमारी टोटल 24 टीम वर्क कर रही है, जो कि अभी रिपोर्टिंग चालू हो गई है। अभी तक की जो रिपोर्ट 4 टीम की आई है वो काफ़ी पिछली पोलियो की सापेक्ष बेहतर है, तो कार्य तो बेहतर हो रहा है। साथ में लोगों को कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, जैसे कि पोलियो के दौरान कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भ्रांतियाँ होती हैं, बच्चे नहीं पिएंगे, तो वहाँ पर हम ग्राम प्रधान या वहाँ के जो भी सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनसे बात करके और उसको भी हम लोग पोलियो पिलवा देते हैं बच्चे। अच्छा सर, एक ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से लगाम लगा रहा है अवैध अस्पताल को लेकर, क्लिनिक को लेकर, चूँकि आप ये बिद्रू एरिया लगता है, तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरह शिकंजा कसा, चूँकि आप चिकित्सा अधीक्षक हैं जी, तो इसके इसके लिए जो हमारे नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर सुबोध सर, वो इसको पूरे कानपुर जनपद में देख रहे हैं, जहाँ पे भी अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं। यदि वो कोई भी मुझे सूचना देंगे या मुझे कोई पत्र आएगा कि वहाँ पर आप देखिए, तो मैं तुरंत वहाँ जा करके और वहाँ का देखूँगा कि इनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, तो इस तरीके से मैं उसको तुरंत नोटिस भी दे दूंगा अगर रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है। तो ये कार्य जब हमें ऊपर से दिशा निर्देश मिलेंगे तो मैं तुरंत इन कार्यों को करूंगा। सर, अभी एक हॉस्पिटल में कोई आशा बहुत शायद बिदनी बताई जा रही है, कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, तो कुछ आप संज्ञान में? हाँ, मुझे एक वीडियो मिला है कि आशा बहू एक हॉस्पिटल में बैठी हुई है, तो उसमें मैंने उस आशा को एक पत्र के माध्यम से बुलाया है और पहले मैं उसका पक्ष सुन लूँ कि वो वहाँ पे क्यों बैठी थी, कोई घरेलू उसकी समस्या थी या कोई एडमिट था, पहले कंफर्म कर लें कि क्यों वहाँ थी। यदि वो यहाँ की कोई डिलीवरी ले जाकर एडमिट किया है तो मैं उस लाभार्थी से बात करूँगा कि आशा आपको ले गई या आप